हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अमेजॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2023 स्टार्ट होने वाली है आज रात 12 बजे से फॉर प्राइम मेंबर्स एंड कल रात 12 बजे से फॉर नॉन प्राइम मेंबर्स। एंड SBI के कार्ड्स अगर आपके पास हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। बाय द वे, ये जो लिस्ट है लैपटॉप्स की 30,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक की है एंड सारे ही लैपटॉप के बेस्ट बाइंग लिंक्स प्राइस के कैटेगरी के हिसाब से सेग्रीगेट करके मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। सो जल्दी से लिस्ट को शुरू करते हैं। एंड बाय द वे, प्रोफेशनल लैपटॉप्स और गेमिंग लैपटॉप्स सारे बताए मैंने, ठीक है। सो लिस्ट शुरू करते हैं, 30,000 वाले लैपटॉप्स पे नजर डालते हैं। सो दोस्तों, ये है HP 15S। HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है इसमें, फुल HD नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको राइजन 3 3250 यू वाला CPU मिलता है जो कि 2 कोर का है, 8 GB की रैम है, 256 GB की SSD है। आप 30,000 के अंदर लैपटॉप लो, 40,000 लो, या आप जितने का भी लैपटॉप लेना चाहते हो ले सकते हो, बट हमेशा SSD ही लेना है क्योंकि SSD लगा डाला तो लैपटॉप झिंगा डाला। बाय द वे, इसमें आपको MS Office भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए एंड Alexa भी है। आगे बढ़ते हैं, यही एक लैपटॉप क्योंकि मुझे पसंद आया 30,000 में, बाकी सबकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 40,000 में कौन से लैपटॉप हैं जो आप खरीद सकते हो? सबसे पहले HP 14S, राइजन 3 5300 यू के साथ आता है, 4 कोर का CPU, बहुत तगड़ा है, फुल HD पैनल IPS वाला, एंड इसमें आपको Alexa दीदी मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, 14 inches का ही लैपटॉप है, 15.6 inches वाला नहीं है, ठीक है। 15.6 inches वाला मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता है। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों, MSI Modern 14, एंड इसकी प्राइस अभी आप देख रहे बोल रहे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा नहीं, इसकी प्राइस एक्चुअली 38,000 के आसपास मिलती है। सो नज़र गड़ाए रखना क्योंकि ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है अंडर 40,000, क्योंकि ये जो CPU है ना, ये 6 कोर का CPU है, आसानी से मिलता नहीं, बाकी 8 GB की रैम है, 256 GB की SSD है। आगे बढ़ते हैं, यह है Asus VivoBook Ultra K14, एंड इसमें आपको i3 11 जन मिल जाता है, ये जो मॉडल नंबर है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये आप याद रखना क्योंकि ये 4 कोर वाला i3 11 जन है, एक और 11 जन आता है i3 का 1115G4, वो 2 कोर वाला है। सो ट्राई करना उसको थोड़ा इग्नोर करने के लिए, ये बेटर CPU है इस प्राइस ब्रैकेट में, एंड ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको और कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। देखो, 60,000 रुपये तक तो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में आपको 8 GB की रैम ही मिलने वाली है एंड 512 GB की SSD या 256 GB की SSD तो मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, ये जो लैपटॉप है दोस्तों, Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 12 जन के साथ आता है, ये बेस्ट CPU है। उसका रीज़न है ये 6 कोर का नया CPU है, i3 12 जन 1215U, एंड इसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर मिल जाते हैं और बाकी के 4 एफिशिएंसी कोर्स मिल जाते हैं। सो बैटरी बैकअप भी बरकरार रहती है एंड परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी मिलती है। बाकी 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, 15.6 इंचेस का इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाता है, फुल HD वाला। आगे बढ़ते हैं, और ये एक और लैपटॉप है जो आप खरीद सकते हो, i5 11 जन के साथ आता है, जो कि एक्चुअली में नहीं लेना है, मतलब U सीरीज़ वाला, लेकिन ये H सीरीज़ के साथ है 11 जन, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। सो इस वाले लैपटॉप का डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, एंड परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए रॉ परफॉर्मेंस, देन ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया रहेगा एंड इसकी भी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। अभी ये ज़्यादा का मिल रहा है, बट ये 39,000 से 41,000 के बीच में आ जाता है। अगला लैपटॉप है दोस्तों, Asus VivoBook K15 OLED, ये 2021 का मॉडल है, एंड इस लैपटॉप को इंक्लूड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि इसमें आपको OLED पैनल मिलता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो 40,000 के अंदर में आपको एक बहुत ही कमाल के डिस्प्ले वाला लैपटॉप चाहिए, देन दिस इज़ द वन, एंड यही है 1115G4, जो 2 कोर का i3 11 जन है। इसको हो सकता है तो इग्नोर करो बाकी लैपटॉप्स में, लेकिन अगर आपको एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए देन यही लैपटॉप है 40,000 में, जो मतलब बेस्ट डिस्प्ले के साथ आता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम 50,000 रुपये में कौन से लैपटॉप्स हैं। HP 14S, राइजन 5 5500U, 16 GB मॉडल, इसका एक 8 GB वाला मॉडल भी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब। बाय द वे, 8 GB वाले को आप अगर हो सके तो इग्नोर करना, 16 GB वाला लेना, बाकी इसमें आपको 512 GB की SSD मिल जाती है एंड ये राइजन 5 5500U जो है ये 6 कोर का तगड़ा CPU है, एडिटिंग का काम बिल्कुल हो जाएगा एंड अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है तो भी हो जाएगा। वैसे जितने लैपटॉप्स अभी तक बता चुका हूँ सभी में एडिटिंग और कोडिंग आराम से हो जाएगी, एंड एक चीज, कोडिंग के लिए और एडिटिंग के लिए CPU सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, GPU नहीं, ये चीज हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लैपटॉप की तरफ, Lenovo IdeaPad 3, सेम CPU आपको यहाँ मिल जाता है, राइजन 5 5500U, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, एंड इसमें भी आपको MS Office मिल जाता है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, खास बात है इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
और बात करते हैं ASUS VivoBook 15 के बारे में, जो 2022 का मॉडल है। इसमें खास बात क्या, i3 12 जेन मिलता है आपको 1220p। अब ये दोस्तों 10 कोर का CPU है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा CPU है, मतलब इससे अच्छी परफॉर्मेंस इस प्राइस ब्रैकेट में आपको और कोई लैपटॉप नहीं देने वाला है। एंड इसकी प्राइस अभी अचानक से कम हो गई है, जनरली ये 50,000 के आसपास में रहता है, इसलिए मैंने इसको 50,000 रुपये के लिस्ट में डाला है। 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। इसको आप बिल्कुल ले सकते हो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता है एंड बाकी इसमें हर चीज़ अच्छे से काम करेगी, मतलब एडिटिंग हो, छोटे मोटे गेम्स हो, छोटे मोटे गेम्स जितने मैंने लैपटॉप्स बताए 40,000 से ऊपर वाले उनमें भी चल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम अगला जो लैपटॉप है उसके बारे में बात करते हैं। ये सेम ही लैपटॉप है बट इसमें टच डिस्प्ले है एंड इसकी प्राइस आप देख सकते हो। तो ये सेम ही लैपटॉप है जो हमारा पिछला लैपटॉप था उससे, बट इसमें आपको टच डिस्प्ले मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप के बारे में, डेल वोस्त्रो 3420। अगर आपको डेल का लैपटॉप चाहिए i3 12 जेन के साथ, ये एक वो लैपटॉप है जो आप खरीद सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं हमको डेल का लैपटॉप चाहिए। तो यही एक वेरिएंट है जो 50,000 से नीचे में आ रहा है, 8GB रैम के साथ, 512GB SSD के साथ, इसमें आपको i3-1215U का CPU मिल जाता है जो कि एक 6 कोर का CPU है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप के बारे में, ASUS VivoBook 16X। अब ये लैपटॉप इस प्राइस ब्रैकेट में क्यों है, मतलब 50,000 में क्यों है? सबसे पहला रीज़न है इसका डिस्प्ले 16 इंचेस का, सो बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है एंड बहुत लोग होते हैं जिनको बड़ा डिस्प्ले चाहिए, तो ये वो लैपटॉप है जो आपकी नीड्स को फुलफिल करेगा। दूसरी चीज़, इसका जो CPU है ना वो 6 कोर का है, राइजन 5 5600H, एंड ये जो H है इसका मतलब ये हाई परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। सो ये बहुत ही तगड़ा CPU है विथ अ बिगर डिस्प्ले एंड 8GB की रैम है, 512GB की SSD है। सो अगर आपको एडिटिंग करने हैं, छोटे मोटे गेम्स खेलने हैं, मतलब आपको बेसिकली हर एक काम करना है डेडिकेटेड गेमिंग को छोड़ के, और एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, देन 50,000 रुपये में बहुत ही बढ़िया डील है, क्योंकि इसकी प्राइस 55,000 थी, अभी कम हो गई है। 60,000 रुपये वाले जो लैपटॉप्स उनकी बात करते हैं, HP 15S। देखो HP 15S आपको बहुत सारे मिलेंगे इस प्राइस ब्रैकेट में i5 12 जेन के साथ। देखना क्या आपको, मैं बता देता हूँ, यहाँ नीचे जाना है आपको और CPU देखना है, i5 12 जेन 1240p का CPU होना चाहिए, क्योंकि अब ये दोस्तों है 12 कोर का CPU। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको यू सीरीज़ वाला CPU मिलेगा, उसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ी कम मिलेगी। मैंने जानबूझ के इसलिए ये मेंशन किया क्योंकि मैक्सिमम जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं सब में यू सीरीज़ का CPU है, गिने चुने एक दो हैं HP की तरफ से जिसमें आपको i5 का 12 जेन मिलता है विद पी सीरीज़। बाकी इसमें आपको 8GB की रैम मिल जाती है, 512GB की SSD मिल जाती है, आयरिस एक्सी ग्राफिक्स मिल जाते हैं, सो सारे काम इसमें हो जाएंगे, आपके गेमिंग भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप के बारे में, दिस इज HP 14S। ये राइजन 7 5700U के साथ आता है, एक 8 कोर का CPU है, बहुत ही कमाल का CPU है, 16GB की रैम है, 512GB की SSD है। सो ये लैपटॉप मुझको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि इसमें 14 इंचेस का डिस्प्ले है, 15.6 इंचेस वाला नहीं है। एलेक्सा दीदी है, बैकलिट कीबोर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप्स में आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, जितने भी मैं बता रहा हूँ। सो प्लीज़ इस बात के लिए तो एक लाइक कर ही देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप के बारे में, Lenovo IdeaPad Slim 3 i5 12 जेन के साथ आता है, ये U सीरीज़ का, ठीक है। इसमें आपको P सीरीज़ नहीं मिलता है, लेकिन इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि U सीरीज़ का ये वाला जो लैपटॉप है इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंड उसके साथ आपको 16GB का रैम मिल जाता है। सो इस लैपटॉप को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो एंड इसमें भी आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है, अनलाइक अदर लैपटॉप जिसमें आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड है एंड इसमें आपको 3 मंथ्स का गेम पास भी मिल जाता है। सो ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है और अगर आपको 15.6 इंचेस में 16GB के साथ i5 12 जेन चाहिए, ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, Lenovo वाले लैपटॉप्स हल्के से ज़्यादा टिकते हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले लैपटॉप के बारे में, और अगर आपको 60,000 रुपये में बेस्ट लैपटॉप चाहिए, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज, तो ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, ASUS VivoBook Pro 15 Ryzen 7 ऑक्टा कोर के साथ आता है। कौन सा Ryzen 7 है? 4800H। अब ये H सीरीज़ का CPU है, 8 कोर का CPU है, 16GB की रैम है, 512GB की SSD है एंड इसमें आपको GTX 1650 Max Q मिलता है, 4GB का ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड। सो गेम्स तो डेफिनेटली चलेंगे हाँ, लेकिन अगर आप सोचो कि ये 1650 जितना पावरफुल है तो नहीं, उससे थोड़ा कम पावरफुल है एंड ये एक अच्छी बात है। उसका रीज़न ये कि ये बहुत ही थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जिसकी वजह से अगर ये 1650 देते 1650 Max Q की जगह तो ये हल्का सा गर्म हो सकता था, लेकिन अब इसमें गर्म होने की संभावनाएं काफ़ी कम है एंड इस लैपटॉप को मैं बहुत ही हाईली
हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आपको एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें आप सारा ऑफिस का काम करो एंड गेम्स भी खेलो, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है आपको 60,000 रुपीज़ में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप के बारे में जो थिन है, लाइट है एंड काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको। i5 12th gen, ये भी P सीरीज़ के साथ आता है, तो आपको परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा तगड़ी मिल जाएगी। इसमें आपको 12 कोर का CPU मिल जाता है, 16 GB की RAM मिल जाती है, 512 GB की SSD मिल जाती है, RTX 2050 मिलता है। अब देखो इसमें कैच क्या है, ये लैपटॉप हल्का सा गर्म होगा, डोंट वरी थ्रॉटल नहीं करेगा बट हल्का सा गर्म होगा, एंड इसमें जो बैटरी बैकअप है वो हल्की सी कम होगी। वैसे ये गेमिंग लैपटॉप है, ज़्यादा बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट भी मत करना, बट ये थिन एंड लाइट गेमिंग लैपटॉप है एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, दैट्स फॉर श्योर। सो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक कार्ड एंड CPU, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले लैपटॉप के बारे में, HP 14S 12th gen के साथ आता है ये i5। अब ये जो i5 है U सीरीज़ का है, जैसे हमको मिल जाता था Lenovo में। इसमें आपको 16 GB की रैम मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, मतलब वही Alexa दीदी और जो बैकलिट कीबोर्ड वो मिल जाता है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं और गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात करते हैं जो आपको 60,000 में मिल जाएगा, MSI GF63 Thin। अब ये 15.6 इंचेस का लैपटॉप है, 6 कोर के CPU के साथ आता है। ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हो i5 11400H, 6 कोर का CPU है। इसमें आपको 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, 144Hz का रिफ्रेश रेट एंड RTX 3050 मिलता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि 6 कोर का CPU है, 4 कोर का नहीं, 4 कोर के CPU के साथ RTX 3050 हल्का सा फीका परफॉर्मेंस देगा, बट 6 कोर के CPU के साथ आपको RTX 3050 काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस देगा एंड इस प्राइस में और कोई लैपटॉप नहीं है जो आपको RTX 3050 दे। सो गेमिंग लैपटॉप में ये टॉप रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं HP विक्टर्स गेमिंग के बारे में। सो ये वाला लैपटॉप बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ी एक मिसकंसेप्शन है इस लैपटॉप को लेके कि ये वॉबल करता है, ये इतना ज़्यादा वॉबल नहीं करेगा, मतलब आपको दिक्कत नहीं देगा। बाकी अगर आप लेके इसको घूमोगे हाथ में, ऐसे पकड़ के घूम रहे हो सपोज हाथ में, तो ये वॉबल करेगा एंड स्क्रीन अगर ओपन है तब। सो डेस्क पे रख के काम करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको 1650 का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है 4G वाला, बाकी 6 कोर का 5600H वाला इसमें CPU है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम लैपटॉप है, 15.6 इंचेस का है, जो विक्टर्स था वो 16 इंचेस वाला था, तो इसमें भी सारी चीज़ें सेम है बट ये 15.6 इंचेस का है। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों, दैट इज HP Pavilion 14, एंड ये 70,000 से नीचे वाले लैपटॉप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको i5 12th gen मिलता है, बट इसमें 16 GB की रैम है एंड इसकी डिस्प्ले अच्छी है और ये मेटल बॉडी के साथ आता है, इसकी स्पीकर्स अच्छे हैं, इसलिए इसकी प्राइस 70,000 के आसपास है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले लैपटॉप के बारे में, Lenovo IdeaPad Slim 5, Ryzen 7 5700U, 8 कोर का CPU है, 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट वाला लैपटॉप है ये, टिकाऊ लैपटॉप है एंड बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है, इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों, Asus VivoBook Pro 15 2022। इसमें खास क्या, एक तो Ryzen 7 5800H मिल जाता है आपको, विच इज़ इनसेन, मतलब काफ़ी तगड़ा है एंड ये 2-in-1 लैपटॉप है, समझ रहे हो, मतलब इसमें आपको डिस्प्ले जो है वो टच वाली मिल जाती है, 16 GB की इसमें रैम है, 512 GB की SSD है एंड GeForce GTX 1650 मिल जाता है इसमें आपको। सो आप ऑफिस का काम तो कर ही पाओगे, प्लस इसमें आपको बहुत ही अच्छे डिस्प्ले के साथ एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। सो थिन एंड लाइट लैपटॉप में आप गेमिंग भी कर सकते हो एंड इस प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देता है ये लैपटॉप। अगला लैपटॉप है दोस्तों, Asus VivoBook Pro 14 OLED। अब ये OLED डिस्प्ले के साथ आता है इस प्राइस ब्रैकेट में, इससे अच्छा डिस्प्ले आपको और कोई लैपटॉप नहीं देने वाला है। देख लो कॉन्फ़िगरेशन, आप 90Hz का रिफ्रेश रेट भी है, Ryzen 7 5800H का CPU, मतलब 8 कोर का तगड़ा CPU, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट चॉइस मैं बोलूँगा इस प्राइस ब्रैकेट में है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड नहीं चाहिए डेडिकेटेड और पतला लैपटॉप चाहिए जिसमें बहुत ही कमाल का डिस्प्ले हो, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस हो, बहुत ही कमाल की बैटरी बैकअप हो, ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों, वो आता है Xiaomi की तरफ से, Notebook Pro 120। ये i5 12th gen के साथ आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा CPU है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। LPDDR5 का RAM है इसमें, DDR4 नहीं है, 4X नहीं है, DDR5 है, 16 GB की RAM है ये। लेकिन याद रखना बैटरी बैकअप हल्की सी कम देगा, क्योंकि बैटरी बैकअप इसकी कम है एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा CPU डाल दिया। सो परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, बैटरी बैकअप हल्की सी कम है, लेकिन इससे अच्छी बिल्ड क्वालिटी और ये जो डिस्प्ले है 2.5K रेजोल्यूशन के साथ 120Hz का पैनल दे रखा है एंड इसमें आपको 100% sRGB भी मिल जाता है। सो मैं बोलूँगा क्रिएटर्स लोगों के लिए ये जन्नत वाला लैपटॉप है। हाँ, बैटरी बैकअप थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट
कंप्लीटली बोल रहा हूँ, मतलब परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच चाहिए। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों वो आता है एक गेमिंग लैपटॉप, Asus TUF Gaming A15, 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है, 144Hz का रिफ्रेश रेट, 8 कोर का Ryzen 7 4800H, 4GB का डेडिकेटेड RTX 3050 एंड इसमें 8GB की रैम, 512GB की SSD। इसका एक 16GB वाला वेरिएंट है, ट्राई करूँगा उसका भी लिंक दे दूँ, लेकिन इस लैपटॉप को आप कंसिडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है काफ़ी तगड़ा है, Ryzen 7 5800H के साथ आता है, इसमें भी आपको RTX 3050 मिल जाता है, 8GB का रैम है, 512GB की SSD है एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट है। अगला लैपटॉप अगर आप कंसीडर करना चाहो इसको कर सकते हो, क्योंकि इसमें 3050 Ti आता है एंड ये एक लौता लैपटॉप है 70,000 में जो 3050 Ti दे, लेकिन इसमें आपको Ryzen 5 मिलता है, Ryzen 7 नहीं मिलता है, Ryzen 5 5600H 6 कोर का CPU। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 80,000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में, Lenovo IdeaPad Slim 5 12 जेन के साथ आ रही है i7, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा CPU है दोस्तों, ये आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देगा, 10 कोर का CPU है, बाकी 16GB की रैम है, 512GB की SSD है, सारे काम हो जाएंगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में मैक्सिमम लैपटॉप सारे बढ़िया हैं। अगला जो लैपटॉप है Samsung Galaxy Book 2, सब कुछ सेम है इस लैपटॉप में पिछले लैपटॉप से, बट इसमें जो रैम है वो DDR4X वाली है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट रैम है। बाकी MS Office है इसमें लाइफ टाइम के लिए, उसमें भी था, 15.6 इंचेस का इसमें आपको पैनल मिल जाता है एंड क्वालिटी अच्छी है इसके डिस्प्ले की जो पिछला वाला लैपटॉप था उससे, फिंगरप्रिंट स्कैनर है और आपको मैं बोलूँगा ओवरऑल एक अच्छा स्पीकर भी मिलता है, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है एंड सैमसंग का ब्रांड का भरोसा भी मिल जाता है। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा CPU वाला लैपटॉप है, मतलब इससे ज़्यादा तगड़ा CPU आपको इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं मिलने वाला, Asus VivoBook S15 OLED 2022, ये i7-12700H के साथ आता है। ये कितने कोर का CPU पता है आपको? 14 कोर का। सो मतलब ये हर चीज़ ऐसे ऐसे चुटकियों में ख़त्म कर देगा और आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा। 16GB की जो रैम है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, Iris Xe ग्राफिक्स हैं, 512GB की SSD है एंड इसको आप 2TB तक अपग्रेड कर सकते हो एंड ये इंटेल के ईवो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, मतलब परफॉर्मेंस मैं बोल रहा हूँ ना, इससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको इस प्राइस ब्रैकेट में थिन एंड लाइट लैपटॉप में तो नहीं मिलने वाली है एंड OLED पैनल है तो डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, मतलब कलर एक्यूरेसी के मामले में। गेमिंग लैपटॉप्स पे आते हैं तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H, 8 कोर का CPU है, 3050 मिल जाता है, 16GB की रैम है, बाकी आप देख ही सकते हो अपने स्क्रीन पे। अगला लैपटॉप HP Victus, तो इसमें आपको डिस्प्ले बड़ी मिल जाती है एंड सेम 8 कोर का CPU, RTX 3050, 16GB की रैम, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले वाला गेमिंग लैपटॉप चाहिए। अगला लैपटॉप है दोस्तों Acer Nitro 5 i7 11 Gen एंड ये एक 8 कोर का CPU है, ठीक है, ये जो 11800H और इसके साथ आपको RTX 3050 Ti मिलता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है 16GB की रैम के साथ, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है ये गेमिंग के लिए। इसी का एक दूसरा भाई है Acer Nitro 5 12 Gen i5 के साथ आता है, ये 12 कोर का CPU है एंड इसमें आपको 8GB की रैम मिल जाती है RTX 3050 एंड अगर आपको और थोड़े ज़्यादा कोर्स चाहिए देन आप Acer Nitro 5 देख सकते हो, ये भी i5 12 Gen के साथ आता है बट इसमें आपको 16GB की रैम मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अब 1,00,000 rupees के नीचे आपको कौन से तगड़े लैपटॉप्स मिल जाएंगे। सो पहला है Asus TUF Gaming A15 Ryzen 7 6000 सीरीज़ के साथ आता है, 6800H, 8 कोर का CPU, बहुत ही तगड़ा RTX 3050, 16GB की रैम एंड इसमें जो आपको 16GB की रैम मिलती है वो DDR5 है, सो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहने वाली है एंड ये मतलब आपके सारे गेम्स चला देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं MSI Katana के बारे में, i7 11 Gen 8 कोर का CPU विथ RTX 3060, 85,000 rupees के नीचे ये जो कन्फिग्रेशन है आपको दुनिया में आई डोंट थिंक कोई और लैपटॉप देने वाला, लाइक अभी तो नहीं मिला मुझे, सो ये बेस्ट है गेमिंग के मामले में अभी तक, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इस लैपटॉप में। एंड अगला लैपटॉप है दोस्तों ये है Asus ZenBook S13 2022 मॉडल और अगर आपको प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए 1,00,000 rupees में, इससे अच्छा लैपटॉप नहीं मिलने वाला आपको। इसमें भी 6000 सीरीज़ का CPU है, U सीरीज़ का, जो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा CPU है 8 कोर का एंड 16GB की रैम है DDR5 वाली, 512GB की SSD है, OLED पैनल है 2.8K रेजोल्यूशन के साथ एंड टच पैनल है, सो बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप अंडर 1,00,000 rupees तो मुझे यही लगता है। और हाँ, आप डेफिनेटली 2020 का एप्पल मैकबुक एयर भी कंसिडर कर सकते हो जिसकी प्राइस अभी 88,000 है, इसकी प्राइस डेफिनेटली कम होगी एंड मैं भी एक मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ सेम प्रोसेसर के साथ M1 के साथ एंड बहुत ही आराम से मेरे सारे काम हो जाते हैं, तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। गेमिंग लैपटॉप में Acer Nitro 5 है जो 14 कोर के i7 12 Gen के साथ आता है एंड इसमें आपको 3050 Ti मिल जाता है, सो इसमें भी आपके सारे गेम्स चल जाएंगे, 16GB की DDR5 वाली रैम है,
1 TB हार्ड ड्राइव प्लस इसमें 512 GB की SSD है। बहुत ही अल्टीमेट लैपटॉप है ये। अगला जो लैपटॉप है ASUS TUF Gaming A15 5800H Ryzen 7 वाला 8 कोर का CPU, लेकिन इसमें आपको 3060 मिलता है। सो ऑब्वियसली इसमें भी आपके सारे गेम्स मक्खन की तरह चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड हमारा प्यारा चहिता Acer Nitro 5 Ryzen 7 5800H RTX 3060 16 GB की RAM, हार्ड ड्राइव भी है, SSD भी है, एंड ये भी आपके सारे गेम्स चला देगा बड़े आराम से। सो दोस्तों, यही थी सारे लैपटॉप्स की लिस्ट। जैसे कि बता चुका हूँ, सभी के बेस्ट बाइंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड आप जाओ चेक करो, जो भी लैपटॉप पसंद आता है कार्ट में ऐड कर लो, क्योंकि हो सकता है इस सेल में लैपटॉप जो है आउट ऑफ स्टॉक चले जाएं एंड फिर आपको बुरा लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ जाके ऐड कर दो कार्ट में, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है किसी भी और प्राइस ब्रैकेट में किसी लैपटॉप को लेके, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।